लंदन के लोग हैं, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हो, स्टालिन का बेटा उदयनिधि हो या दयानिधि मारन हो, ये सारे लोग सनातन धर्म हिंदू धर्म को अपमानित करने में लगे हुए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो रामचरितमानस के बारे में क्या क्या नहीं कहा। इनको लगता है कि हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदू धर्म को गाली देंगे तो इनको पिछड़ों का वोट मिल जाएगा। तो ये भूल जाते कि वो जमाना चला गया। आज पिछड़े समाज के लोग जितनी राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, उतना शायद अन्य समाज भी नहीं करता होगा। तो इस तरह का बयान देने से उनको आगे आने वाले चुनाव के अंदर भारी राजनीतिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये कहना ही इस बात का पर्याप्त संकेत है कि वो नाराज थे, नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं शामिल हुए। और जो पटना में प्रचार किया गया था कि वो संयोजक बनेंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं, यहां तक कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने भी उनका नाम प्रस्तावित नहीं किया, तो कोप भवन में गए हुए थे। 20-22 दिन के बाद पहली बार निकलकर मीडिया के सामने आए हैं, तो उनके खंडन करने से नाराजगी दूर नहीं हो जाती है। आखिर राहुल गांधी को क्यों फोन करना पड़ा? वो इसीलिए फोन करना पड़ा कि उनको मालूम था कि ये नाराज हैं। और नीतीश जी का स्वभाव है कि रह रह कर वो कोप भवन में चले जाते हैं, रह रह कर वो नाराज हो जाते हैं, उनको मनाने की आवश्यकता पड़ती है। और अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रशंसा कर रहे थे, तो उनका मकसद अटल जी की प्रशंसा करना नहीं है, बल्कि उसी बहाने वर्तमान शासन से तुलना करना कि देखिए अटल जी की सरकार कैसी थी और नरेंद्र मोदी की सरकार कैसी है। अरे नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी कोई अलग थोड़ी है, उसी परंपरा के वाहक है नरेंद्र मोदी। लेकिन ये लगता है कि इस प्रकार का बयान देकर नरेंद्र मोदी और अटल जी की सरकार में एक हम तफरका पैदा कर सकें, भेदभाव पैदा कर सकें, उसमें ये कभी सफल नहीं हो सकता।